तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं असम पे, क्योंकि असम पे है आज राज पूर्णिमा का शूट। तो जगह का नाम क्या था भाई? दुर्लभचौड़ा। तो हम लोग जाएंगे दुर्लभचौड़ा पे, वहाँ पे राज पूर्णिमा का जो मणिपुरी विष्णुप्रिया मणिपुरी लोगों का जो राज मेला होता है वो है आज वहाँ पे प्रोग्राम। तो चलो बिना स्किप के पूरा वीडियो देखो आखिर तक। आप लोग, मैं जाते जाते रास्ते पे जितना हो सके दिखाऊंगा आप लोगों को भी। और आज जो मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ है यहाँ पे पप्पन और सामने विभाष। विभाष, तो हम लोग जा रहे हैं शूट पे, तो बाकी का तो मस्ती वगैरह तो होता ही रहेगा रास्ते पे, बीच बीच पे होगा। तो देखो आप लोग, और क्या कर सकते हो, आप लोग देख ही सकते हो, सिर्फ देखो मत, थोड़ा लाइक भी ठोको और कमेंट भी ठोको। और वहाँ पे जाके तो पूरा राश का जितना हो सके छोटा छोटा फुटेज में दिखाऊंगा। तो चलो बिना स्किप के पूरा वीडियो देखो आखिर तक। स्टे ट्यून्ड। तो हम लोग अभी तकरीबन पहुंच चुके हैं सामने। एक्चुअली हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं ऑलरेडी, और पहले आके पहुंचना था पर लेट हो चुके। एक्चुअली टाइम का मतलब उन लोगों ने जो टाइम दिया था, और हम लोग पहले जो टाइम दिया था बाद में दूसरा टाइम दिया था, इसलिए मसला हो गया। कुछ नहीं, अभी पहुंच रहे सामने है, तो बाकी पहुंचने के बाद मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो हम लोग आके पहुंचे, अभी हम लोग लोकेशन पे है। आने के बाद थोड़ा सा शूट ले लिया यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा राधा कृष्णा जो है आज का राज का जो राधा कृष्णा है, उन लोगों ने खाना खाया, तो खाने का कुछ फोटो चाहिए था, तो फोटो वोटो खींचा हम लोगों ने। तो अभी हम लोग बैठेंगे, सब यहाँ पे बहुत सारे हैं, सब धर्मनगर से है, तो हम लोग सब अभी बैठेंगे खाएंगे, खाने के बाद जाके नहाएंगे वहाएंगे कुछ। भाई तुझे भूख कैसा लगा? बहुत ज्यादा, कुछ नहीं खाया अभी तक। मैं भी सेम हालत है, कंडीशन सबका सेम है, कुछ नहीं खाया तो बहुत भूख लगा है। तो अभी खाएंगे, खाने के बाद नहाएंगे वहाएंगे, रेस्ट करेंगे। चलो देखो, तो आप लोग देख सकते हो प्लेट लग रहा है और साथ पे खाना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अभी। तो पूरा चारों तरफ प्लेट लगने के बाद, खाना डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद हम लोग जाके बैठेंगे, क्योंकि यहाँ का एक्चुअली यहाँ का नहीं, मणिपुरी कम्युनिटी मणिपुरी समाज में ये है, तो वो लोग पहले खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देने के बाद सब लोग जाके बैठते हैं खाने पे। तो पहले डिस्ट्रीब्यूट हो जाए फिर हम लोग जाके बैठेंगे। तो हम लोग अभी बैठ चुके हैं, तो अभी शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में। मुखटा देखा लगे खूब खुदा लगता है, भूखा भूखा शेर है আর কি দাও দাও মানে 12 বছরে ও খাইছি না বড় এমন লাগে তোর চেহারা দেখে 12 বছরে খাইছি না তারা দেরি আছে তুই অত তাড়াও লাগে তারা শেষ হয়ে গেছে তো हम लोग दोपहर आगे सब भाई साहब इधर पे आके उधर बैठ। तो दोपहर को हम लोग खाना वाना खा के थोड़ा रेस्ट किया, मतलब एक्चुअली सोया था आधा घंटा होगा ऐसा कुछ, पर उसके बाद रेडी होके थोड़ी देर पहले चाय वाय पी के हम लोग निकले, थोड़ा एक्चुअली जहाँ पे आज मेला होगा मतलब राज होगा वहाँ पे देखने के लिए लोकेशन तो निकले। उसके बाद एक्चुअली जब मैं ड्रेस पहन रहा था, मतलब मेरा पैंट जीन्स जब पहन रहा था, एक मसला हो गया मेरे साथ, मेरा बेल्ट टूट गया, चड्डी नहीं ले बेचारे, अद्भुत चड्डी, मेरा बेल्ट ही टूट गया। तो बिना बेल्ट के निकला, क्योंकि जींस टाइट था ऑब्वियसली, फिर भी बेल्ट होने से कंफर्ट फील होता है, तो इसलिए आके ढूंढा आसपास, ढूंढा एक दुकान ऐसा मिल जाए कुछ, मैंने नहीं सोचा था कि मिल जाएगा यहाँ पे दुकान, तो मिल गया दुकान। दुकान मिलने के बाद एक बेल्ट खरीदा मैंने, फाइनली मिला, अच्छा सा मिला एक बेल्ट, देखते हैं अगर एक हफ्ता ही टिक गया तो उसके बाद मैं रिव्यू दूंगा उसका हालत कैसा है, अभी फिलहाल अच्छा ही चल रहा है, तो देखते हैं। उसके बाद हम लोग अभी आए समोसा खाने, तो हम लोग बहुत पहले आ चुके यहाँ पे। एक्चुअली मैं वीडियो फोटेज लेना भूल गया, तो अभी हम लोग मतलब रात जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे मेरे सामने है, मेरे पीछे। Thank you.
तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कल मैं यहाँ पे जो राश का शूट पे आया था वो ख़त्म हो चुका है। 7 बजे ऐसा कुछ ख़त्म हुआ और हम लोग 7 बजे यहाँ से निकलने वाले थे। अभी टाइम हो रहा है 7:45 ऐसा कुछ टाइम हो रहा है। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, अभी सीधा जाएंगे धर्मनगर, जितना जल्दी हो सके जाके पहुँचना। सोना भी है क्योंकि पूरा रात नहीं सोया हम लोग। मैं भी जाऊँगा काम पे, उसके बाद धर्मनगर जाने के बाद मैं भी काम पे जाऊंगा, विवास भी काम पे जाएगा। तो अभी जाके सोना है, 1 घंटा सोऊंगा वो भी काफ़ी है क्योंकि 12 बजे से फिर से शूट है। तो बहुत टायर्ड हूँ अभी, आँखों में देखो आँखें लाल हो चुका है मेरा क्योंकि पूरा रात नहीं सोया। तो हम लोग अभी बीच रास्ते पे रुके क्योंकि हम लोग अभी जहाँ पे है वहाँ से हम लोग एक्चुअली बहुत हिल एरिया पे है अभी फिलहाल। इस हिल एरिया से जो नज़ारा है पीछे आप लोग देख सकते हो, फॉग ही फॉग, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, पूरा व्हाइट है एकदम। तो ये नज़ारा देख के हम लोग रह नहीं पाए, गाड़ी से उतरे हम लोग क्योंकि फ़ोटो खींचने के लिए, फ़ोटो लिया, सेल्फी लिया, क्योंकि ये नज़ारा देखो आप लोग, पूरा चारों तरफ फॉग, इतना फॉग है कि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, इतना फॉग है। बहुत ही बढ़िया प्लेस है, सच में बहुत ही बढ़िया प्लेस है। ये देख के मुझे शिलोंग का याद आ गया, सच में पूरा शिलोंग। जम्पू में भी सेम होता है यहाँ का जो व्यू, देखो कितना सारा फॉग। तो अगर ऐसा नज़ारा फिर से रास्ते पे मिला तो फिर से रुकेंगे। तो चलो इस वीडियो के यहाँ पे करते खत्म, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे बहुत ही जल्द। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।